इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ ये LG का स्पीकर है जिसको मैं रिपेयर करने वाला हूँ। तो कह रहा पूरा रिपेयर नहीं तो नहीं मान जाएगा, पूरा इसको मैं बनाने वाला हूँ पूरा। बस इसका मेरे पास खाली स्पीकर पड़ा था और ये ट्विटर पड़ा था साइड वाला, तो और इसके में कुछ भी नहीं था, ना इसके सप्लाई थी ना इसका। ये मैंने किसी से परचेज़ किया था, उसने मेरे 200 रुपये में मुझे स्पीकर दे दिया था और मेरे कम से कम इसमें 700 से 800 रुपीज़ लगे और ये पूरा तैयार हो गया। और इसमें जैसे कि लेकर पावर ऑडियो सिस्टम आपको दिख रहा होगा, ये उसी की तरह काम करता है फ्रेंड्स। ये थोड़े दाग वाग करके इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस भी बहुत अच्छा आता है, अर्थक्वेक जैसा बेस आता है इसका, पूरे घर को हिला देता है। मैं आपको पहले बताऊँ, बेस तो उसके अंदर जो प्लेट होती है उस पर निर्भर करता है कि आपकी कौन सी प्लेट है। चलिए मैं आपको प्लेट दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ की है, कौन सा अडेप्टर है, कौन सा कार्ड है और कौन सा कार्ड के लिए सप्लाई दी है। चलिए, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को लाइक और जल्दी से जल्दी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपके दोस्त के पास भी कोई ऐसा स्पीकर हो पुराना तो वो खरीद सकता है। और ज़रूरी नहीं है आपके पास ऐसा ही मॉडल हो तो आप इसी में बनाएं। आप अपने घर में 6.5 इंच से कम या 6.5 इंच से बड़ा ना ले तो सही है, छोटा ले सकते हैं आप। और ज़्यादा 4 इंच से भी छोटा लेंगे तो फटने लग जाती है आवाज़, लेकिन मैं आपको रिकमेंड 4 इंच से 65 इंच के बीच में ही करूँगा। 65 मैं गलत बोल रहा था, 6.5 इंच से ही मैं रिकमेंड करूँगा। और उसमें जाली वाली सब लगी थी इसलिए मुझे पसंद आया। मैं आपको चला के भी दिखाऊँगा क्या क्या लगा ये भी बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर जल्दी से जल्दी 100 लाइक कर देते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, जब बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को, तो फिर मैं आप क्या करूँगा ना इसको पूरा खोल के इसके कनेक्शन सब बताऊँगा। अभी मैं इसको खाली खोल के बताने वाला हूँ इसके ना क्या क्या यूज़ किया है, कैसे वायरिंग की है। इससे तो आपको समझ ही जानती है, आप थोड़े से भी इलेक्ट्रिकल नॉलेज रखते हैं तो आपको समझ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। इसको खोलने के लिए मैं स्क्रू ड्राइवर ले रहा हूँ, जो कि आप टेस्टर भी ले सकते हैं, लेकिन टेस्टर से बहुत ज़्यादा पावर लगती है, स्क्रू ड्राइवर हल्के से हो जाता है। इसमें मैंने 6 नट्स लगा रखे हैं, उसको मैं खोल देता हूँ। चलो मैंने सारे पेज खोल लिए, अब मैं इसका आपको खुला से दिखाना कि क्या यूज़ किया क्या। ये मैंने पेज खोल लिया, इसको साइड में देखा और 1 2 3, तो देख सकते हैं इसमें ये जो कार्ड लगा रखा है मैंने। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ लगा रखी है। इसको थोड़ा उठा के साइड, थोड़ा हैवी है पर कोई नहीं फ्रेंड्स। ये तो आप देख रहे हैं इसमें, आप सोच रहे हैं एम्पलीफायर का है। हाँ फ्रेंड्स, एम्पलीफायर मैं आपको दिखा दूँ, ये ही है एम्पलीफायर। आप कह रहे होंगे अरे इतना छोटा एम्पलीफायर, जी हाँ यही एम्पलीफायर जो कि हम जुगाड़ लगे, इसमें हीट सिंक लगा रखे। थोड़ा बहुत गर्म होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता, तभी मैंने हीट सिंक लगा दी है कि तब तक थोड़ा बहुत भी गर्म हो तो लॉन्ग लाइफ के लिए। और मैंने ये सैमसंग का चार्जर अडेप्टर यूज़ कर रखा है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये अडेप्टर है सैमसंग का, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए आउटपुट 19 वोल्ट 2.53 एम्पियर दे रहा है, ये ज़्यादा एम्पियर का नहीं है, पर इसकी आवाज़ इसमें ये भी बहुत है फ्रेंड्स, आवाज़ इसकी ये भी बहुत है। और आप इस होम थिएटर को हल्के में बना लें, अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो बना सकते हैं। इसमें वायरिंग ज़्यादा खास नहीं है, ये मैंने होटल से ज्वाइन कर रखे सारे। और अगर आपको ये बनाना है तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, और लाइक तो कर ही देना आप ही, अभी कर देना, मैं वेट भी कर लूँगा लाइक का। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट करना मुझे कि भाई तू बना के दिखा इसको, हमें कनेक्शन समझ नहीं है। मुझे भी पता है कनेक्शन समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कनेक्शन। चलो पहले ही बता देता हूँ, ये देखिए ये एसी की वोल्टेज है और ये मैंने 5 वोल्ट का अडेप्टर यूज़ कर रखा है, ठीक है। इन दोनों की वायर को मैंने इधर जॉइंट कर दिया है, अब मैं इसमें करंट दूंगा तो दोनों चलेंगे, तो मैंने इनका जॉइंट यहाँ पर कर दिया। ये 5 वोल्ट आ गया, अभी 5 वोल्ट डायरेक्ट आपको इस कार्ड में दे देना है, ठीक है। ये कार्ड में अब इसका तो हो गया सप्लाई, अब रहेगी इस बोर्ड की सप्लाई। तो ये वायर जो आप देख रहे हैं ये वायर इसमें जा रही है और यहाँ पर इसकी पावर का ये रहा, यहाँ पे मैंने पावर दे दिया इसको है। अब ये बोर्ड ऑन हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं इनपुट की डायरेक्ट वायर इसमें जोड़ दूंगा। ये जो आपको कार्ड दिख रहा है इसमें इनपुट की वायर जोड़ दूंगा, फिर स्पीकर की वायर, ये जो आप देख रहे हैं ये होल से जो आ रही है स्पीकर की वायर, ये होल से जो आ रही है स्पीकर की वायर, वो मैंने जोड़ दूंगा और फिर स्पीकर की वायर इधर से इधर। तो अब पूरा ये बढ़िया से चल जाएगा। इसको मैं अभी iPhone चला के दिखाऊंगा आपको, और कुछ नहीं चला के दिखा सकता क्योंकि iPhone अभी मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे वीडियो बन रही है, और आपको कैमरा थोड़ा पिक्सल्स कम दिख रहे होंगे क्योंकि एक फ़ोन से बना रहा हूँ मैं वीडियो, इसलिए आपको ये पिक्सल्स कम दिख रहे होंगे। पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें समझने से फर्क पड़ता है कि हमें ये कैसे बनाना है। हमारा टारगेट ये इसको बनाना, मैं भी इसको अडेप्टर, मेरा पुराना लैपटॉप था उसका बड़ा मिल गया था पूरा ओलिफ का चार्जर, आप कोई और सा ख़राब चार्जर यूज़ कर सकते हैं जिसकी जगह ख़राब हो सकती है। डाटा केबल तो हर किसी के घर में मिल ही जाती है। बस ये आपको बोर्ड खरीदना 350 रुपये का और ये 150 रुपये का ब्लूटूथ कार्ड खरीदना, और आपको कुछ नहीं खरीदना फ्रेंड्स, सच बताऊँ 200, 550 और 150, 700 रुपये में मेरा पूरा बनके तैयार हो गया। और फ्रेंड्स बाहर से खरीदने जाता तो मैं 3 से 4 हज़ार रुपये फूक ही देता, इसलिए मैंने एक घर पे बना लिया। चलिए मैं जल्दी से आपको बिना टाइम वेस्ट करें इसको चला के दिखाता हूँ, और वीडियो को मैं थोड़ी कर दूँगा फास्ट फॉरवर्ड, इससे मेरी आवाज़ भी बदल सकती है, इसलिए वीडियो को स्वाइप जरूर बिल्कुल मत करना और शेयर और लाइक जरूर कर देना। इसी से मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। आइए इसकी साउंड टेस्टिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने इसको खोल लिया और मैं फायर भी कनेक्ट कर दिया, बस इस पास स्विच ऑन करना है। मैं इसको सेट कर देता हूँ जिससे कि ये हमारे एम्पलीफायर इन सब में फोकस करे, और मैं दिखाता हूँ इसमें एक ही प्रॉब्लम है ऑन होता है, वो भी उसका भी जुगाड़ मैं कर दूँगा। अगर आप बोलेंगे कि भाई मुझे सिखा दे इसका कनेक्शन क्या है तो मैं कर दूँगा, कमेंट करने के लिए आप मेरे यूट्यूब के नीचे आके कमेंट कर सकते हैं। और अभी मैं इसको पावर ऑन करता हूँ।
पावर ऑन हो चुका है, ठीक है। इधर नेटवर्क का इशू आ रहा है, देखिए आवाज़ देख, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। मैं आपको दूसरे फ़ोन से चलाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है, अब मैं इसको गाने चला के आपको दिखाऊंगा और वॉल्यूम भी फुल कर दूंगा। ऐसा नहीं है वॉल्यूम में कम रखूंगा, वॉल्यूम आपको फुल करके दिखा दूंगा कि कैसा आवाज़ है इसकी कैसी नहीं है। अब देखते हैं, मैं इसको आवाज़ सॉन्ग चला रहा हूं। और ये हीट सिंक बिल्कुल गर्म नहीं हो रही है।